हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फिट सिंह, और मैं हूं आपका फिटनेस एक्सपर्ट रंजीत सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे एक अलग टॉपिक, एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, और इसको मैं और भी इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं। आपके सामने मैं करूंगा तीन प्रोडक्ट्स, तीन अलग अलग रेप्यूटेड ब्रांड्स की कंपैरिजन, और उसमें से हम डिसाइड करेंगे कौन सा वे प्रोटीन सबसे बेस्ट है। उसके अलावा मैंने इसको यूज़ करके इसका क्या रिज़ल्ट निकाला है उसके बारे में आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू चूज राइट प्रोटीन फॉर यू। एक सही प्रोटीन हम कैसे चूज करें, इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने सारी कंपनीज, और हर कंपनी अलग क्लेम करती है कि हमारा प्रोटीन अच्छा है। पर मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि प्रोटीन या कोई भी सप्लीमेंट वो बाद में आएगा, सबसे पहले आपकी एक डाइट बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो ही कोई भी सप्लीमेंट काम करेगा। अगर आप डाइट ही अच्छी नहीं ले रहे तो कोई भी किसी भी ब्रांड का सप्लीमेंट यूज़ कर लो, कोई भी आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपनी डाइट ठीक करें, क्योंकि 80% न्यूट्रिशन जो है हमारी डाइट से ही मिलती है, 20% जो सपोर्टिंग न्यूट्रिशन वो हमें सप्लीमेंट से लेनी चाहिए। तो तीन ब्रांड्स जो मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ जिनके, तो वो हैं GNC, QNT और इसके अलावा माई प्रोटीन। ये तीनों रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं, काफ़ी लोगों ने यूज़ कर रखे होंगे और काफ़ी लोग इनको यूज़ कर रहे होंगे। पर मैं आपको एक बिल्कुल ही आज क्लियर नॉन बायस रिव्यू दूंगा। तो इन तीनों प्रोटीन्स को मैं कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे उन पॉइंट्स के हिसाब से कौन सा इन तीनों में नंबर वन आता है, कौन सा नंबर टू और कौन सा नंबर थ्री। आप याद रखें मेरी बात, मैं ये तीनों प्रोटीन्स को कंपनी के क्लेम के हिसाब से ही कंपेयर करूंगा। कंपनी जो उस पर न्यूट्रिशन वैल्यू बताती है उस हिसाब से ही कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा। कोई भी प्रोटीन लेने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है आइडेंटिफाई योर गोल। आइडेंटिफाई योर गोल मतलब आपका गोल क्या है आपकी बॉडी को लेकर, इसके बेस पर आप एक प्रोटीन को चूज़ करते हैं। जैसे आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो आपको लो कैलोरिक एक प्रोटीन चाहिए, जैसे कि आइसोलेट प्रोटीन। आप बल्क करना चाहते हैं तो आप एक अच्छा ब्लेंड यूज़ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका बॉडी गोल क्या है। सेकेंड पॉइंट मेरा जो जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोटीन अवेलेबिलिटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम कोई भी प्रोटीन बाय करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें प्रोटीन कितना है। जब हमने अच्छे खासे पैसे खर्च किए हैं तो हमें प्रोटीन की क्वालिटी या क्वांटिटी अच्छी मिलनी चाहिए। अब हम कंपैरिजन करेंगे इनका एक स्कूप है जो, इनके एक स्कूप से कितना वे प्रोटीन हमें मिलता है और पर 100 ग्राम इसमें कितने परसेंट वे प्रोटीन है। सबसे पहले बात करेंगे GNC के बारे में। इसका जो प्रोटीन का स्कूप है वो है 35 ग्राम्स का, और इसमें 24 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है, जिस हिसाब से 68% प्रोटीन अवेलेबिलिटी GNC की है। उसके बाद बात करेंगे माई प्रोटीन की, जिसका स्कूप है 25 ग्राम का, और उसमें से 18 ग्राम प्रोटीन हमें मिलता है, जिस हिसाब से इसके हिसाब से 72 ग्राम्स प्रोटीन अवेलेबिलिटी माई प्रोटीन में है। तीसरा प्रोडक्ट जो है QNT का प्राइम वे, इसके 33 ग्राम के स्कूप में हमें मिलता है 25 ग्राम प्रोटीन, जिस हिसाब से इसमें है 76% प्रोटीन अवेलेबिलिटी। अगर इस पॉइंट को कंपेयर करें तो प्रोटीन अवेलेबिलिटी हमें ज़्यादा जो QNT में मिल रही है, उसके बाद सेकंड नंबर पर माई प्रोटीन में मिल रही है, थर्ड नंबर पर हमें मिल रही है GNC में। सिर्फ इस पॉइंट को देख कर हम प्रोटीन को चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोटीन अवेलेबिलिटी की बात है, अभी प्रोटीन की क्वालिटी को भी हमें देखना है कि प्रोटीन के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और हमें कॉस्ट क्या पड़ेगी। अभी हम काफ़ी पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी जो कंपैरिजन हुआ है सिर्फ प्रोटीन अवेलेबिलिटी के मामले में, तो उसमें QNT नंबर वन पे है, माई प्रोटीन नंबर टू और GNC नंबर थ्री पे। थर्ड पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो है प्रोटीन अब्सॉर्प्शन रेट। प्रोटीन अब्सॉर्प्शन रेट एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो प्रोटीन की क्वालिटी डिसाइड करता है, क्योंकि अच्छा प्रोटीन होगा तो प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन भी डेफिनेटली अच्छी होगी। अब तीनों मैंने प्रोटीन यूज़ किए हैं पास्ट में, उस बेसिस पे अगर बात करें, GNC की जो अब्जॉर्प्शन है काफ़ी अच्छी है,
उसके बाद करें बात माई प्रोटीन की, तो माई प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन रेट थोड़ा सा कम है। उसका कारण क्या है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, उसके पीछे काफ़ी एक बड़ा कारण है। अगर Q&T की एब्जॉर्प्शन की बात करें तो मुझे ये सबसे अच्छी लगी, क्योंकि Q&T का प्रोटीन यूज़ करके मुझे ब्लोटिंग कभी नहीं हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी, जो मैंने आपको पिछले पॉइंट पे डिस्कस किया कि उसका जो अब्जॉर्प्शन रेट है वो किस बेस पे है, या उसकी जो प्रोटीन अवेलेबिलिटी है वो किस बेस पे है, तो इस बेस पे इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी, इस पर सारा कुछ डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी का। सबसे पहले बात करें GNC की। GNC प्रो परफॉर्मेंस एक ब्लेंड प्रोटीन है जिसमें सबसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो है प्रोटीन कंसंट्रेट। कंसंट्रेट प्रोटीन इसमें सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इसमें है वे आइसोलेट। उसके बाद बात करता हूँ मैं माई प्रोटीन की। माई प्रोटीन 100% कंसंट्रेट प्रोटीन है, ये बेसिक प्रोटीन है, इसीलिए मैंने आपको पहले और दूसरे पॉइंट पे बताने की कोशिश की कि अगर किसी प्रोटीन की प्रोटीन अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो हम उस पर डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि माई प्रोटीन का इम्पैक्ट वे बिल्कुल ही 100% कंसंट्रेट प्रोटीन है। उसकी वजह से उसका प्रोटीन अवेलेबिलिटी तो ज़्यादा हो सकती है, मगर क्वालिटी जो है वो कंपेरेटिव टू GNC और Q&T काफ़ी कम है, क्योंकि ये 100% कंसंट्रेट प्रोटीन है, इसीलिए इसकी अब्जॉर्प्शन रेट भी थोड़ी सी कम है। तो थर्ड वन है Q&T। Q&T की इंग्रेडिएंट्स की बात करें, ये भी एक ब्लेंड है GNC की तरह, मगर थोड़ा सा फ़र्क है। GNC में मोर ऑफ प्रोटीन कंसंट्रेट है, मगर Q&T में मेजर पार्ट जो है प्रोटीन आइसोलेट और प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड है, जिसका मतलब है हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इसमें यूज़ किए गए हैं ब्लेंड बनाने में, इसलिए इसकी अब्जॉर्प्शन रेट सबसे अच्छी है, इसलिए इसकी क्वालिटी जो है मैं सबसे अच्छी गिनूंगा। नंबर वन पे अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तीनों में, तो नंबर वन पे Q&T, सेकंड पे GNC और थर्ड वन माई प्रोटीन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टेस्ट एंड मिक्सिबिलिटी। टेस्ट एंड मिक्सिबिलिटी में सबसे पहले बात करूँगा मैं GNC के बारे में। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, इसके जो फ्लेवर हैं काफ़ी अच्छे हैं, टेस्टी हैं, तो मिक्सिबिलिटी भी इसकी अच्छी है क्योंकि इसमें कंसंट्रेट थोड़ा कम है। तो सेकंड नंबर पे माई प्रोटीन है। माई प्रोटीन की मिक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम है, इसका टेस्ट भी जो है मुझे एज़ कंपेरेटिव टू GNC और Q&T थोड़ा सा कम टेस्टी। और अगर Q&T की बात करूँ तो Q&T का जो मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली आयरिश चॉकलेट या फिर काजू केसर पिस्ता, वो तो मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेस्टी जो प्रोटीन्स मुझे यही दोनों लगते हैं। तो टेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो नंबर वन पे Q&T आएगा, सेकंड नंबर पे GNC, थर्ड पे माई प्रोटीन आएगा। तो मिक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो GNC Q&T दोनों काफ़ी अच्छे हैं, माई प्रोटीन तीसरे नंबर पे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है डाइजेस्टिबिलिटी। तो डाइजेस्टिबिलिटी भी प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन रेट पे डिपेंड करती है, तो सेम ही मैं आपको बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा अच्छा डाइजेस्ट जो होता है वो Q&T होता है, क्योंकि इसमें आइसोलेट प्रोटीन है जो सबसे जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है आपके बॉडी में, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जितनी जल्दी वो एब्जॉर्ब होता है उतना अच्छा प्रोटीन अवेलेबिलिटी हमें मिलती है। तो Q&T नंबर वन पे आएगा डाइजेस्टिबिलिटी में, और नंबर टू पे GNC, और थर्ड वन माई प्रोटीन, क्योंकि वो 100% कंसंट्रेटेड प्रोटीन है। पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे वो है एलर्जेंस एंड इंटॉलरेंस। काफ़ी लोग, जैसे अब रिसेंटली पता चल रहा है कि काफ़ी लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जहाँ किसी चीज़ से एलर्जी है, तो आप लोगों को प्लीज़ ये ध्यान में रखना है कि जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो वे प्रोटीन बिल्कुल भी यूज़ ना करें, उनको प्लांट बेस्ड प्रोटीन यूज़ करना चाहिए। तो ये जो प्रोटीन्स हैं तीनों, ये डेयरी बेस्ड हैं, मिल्क बेस्ड हैं, तो आपको प्लीज़ इनको अवॉइड करना चाहिए, आपको सिर्फ एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन यूज़ करना चाहिए। मैंने खुद से कभी प्लांट बेस्ड प्रोटीन यूज़ नहीं किया, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कौन सा, तो आप अपने हिसाब से ये रिसर्च करें कौन सा अच्छा है। मगर आप अगर किसी को इनटॉलरेंस है इन चीज़ों की, डेयरी की, जैसे सोया की, तो आपको प्लीज़ लेबल एक बार ज़रूर देखें, तो उस हिसाब से अपना प्रोटीन को चूज़ करें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ब्रांड की रेपुटेशन क्या है। अगर ब्रांड की रेपुटेशन अच्छी है
तो डेफिनेटली वो आपको अच्छी क्वालिटी प्रोटीन देगा, अच्छी स्टैंडर्ड्स के इंग्रेडिएंट्स उसमें होंगे और उसके अलावा आपको अच्छे रिजल्ट्स उसके ज़रूर मिलेंगे। तो बात करें जीएनसी की, तो जीएनसी जो है पहले जब मैं यूज़ करता था तो इंटरनेशनली इंपोर्ट होता था ये, तो उसके बाद इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होने लगा था। तो क्वालिटी इसकी अच्छी है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी इसमें भी है, तो अच्छा प्रोटीन है। माई प्रोटीन जैसे क्लेम किया जाता है ये इंटरनेशनल प्रोटीन ही है, मगर माई प्रोटीन की जो क्वालिटी इम्पैक्ट वे की है वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि उसमें सिर्फ कंसंट्रेटेड प्रोटीन है, तो इसलिए माई प्रोटीन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो QNT की बात करें, जो QNT की जो मेन जो हेड ऑफिस है बेल्जियम में, उसके अंडर ही ये डेवलप होता है, तो इसकी क्वालिटी, इसलिए इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी के हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर इंटरनेशनल प्रोटीन भी है तो क्या आपको वो इंटरनेशनल लेवल के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डिलीवर कर रहा है या नहीं। जो तीनों ब्रांड्स हैं वो इंटरनेशनली कनेक्टेड हैं, मगर इनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो तीनों में फ़र्क है। तो आप ये ज़रूर देखें कि आपको जो भी कंपनी आप ले रहे हैं आपको अच्छे इंग्रेडिएंट्स दे रही है या नहीं। और इसके बाद जो पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहले लोग देखते हैं कि प्राइस जो है प्रोटीन का वो क्या पड़ेगा। आप प्राइस देख लोगे मगर क्वालिटी को कंपेयर करके आप हमेशा प्राइस देखें, क्योंकि अच्छा जो प्रोटीन होगा उसका प्राइस थोड़ा सा हाई होगा। अगर प्राइस की मैं अब कंपैरिजन करूं तीनों ये प्रोटीन्स की पर केजी के हिसाब से, मगर बात करूं जीएनसी जो है वो 2200 पर केजी आपको पड़ जाता है अप्रॉक्सीमेटली, क्यूएनटी आपको 2300 के करीब करीब पड़ जाता है डिस्काउंट के बाद, और जो जो माई प्रोटीन है वो आपको नियर अबाउट 3000 पड़ता है। तो आप ये देखिए कि आपको लोएस्ट क्वालिटी जो प्रोटीन है, कंसनट्रेट प्रोटीन है, वो आपको 3000 के नियर अबाउट आपको पड़ रहा है। क्यूएनटी आपको हाई क्वालिटी आइसोलेट प्रोटीन है वो आपको 2300-2400 में पड़ेगा, और जो जीएनसी है आपको 2200 में पड़ेगा। तो प्राइस का कंपैरिजन करें क्वालिटी के साथ तो माई प्रोटीन मुझे सबसे महंगा लगा, अगर क्वालिटी के हिसाब से देखें तो जीएनसी और क्यूएनटी, इनका प्राइस दोनों का बहुत ही बढ़िया है, क्वालिटी के हिसाब से प्राइस बिल्कुल ठीक है इनका। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सर्टिफिकेशंस। तो जीएनसी की बात करूँ तो ये एलजीसी कंपनी की तरफ से सर्टिफाइड है फॉर बैंड सब्सटेंसेस। माई प्रोटीन की बात करूँ तो वो FSSAI की तरफ से सर्टिफाइड है, इसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है। जो क्यूएनटी है वो GMP, ISO, FSSC और इसके अलावा HACCP की तरफ से सर्टिफाइड है, इसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है यूज़ करने के लिए। अगर इन सारे पॉइंट्स को कंपेयर करके हमें एक प्रोटीन तीनों में से चूज़ करना हो तो डेफिनेटली आपको तो बिल्कुल क्लियर होगा। आप कमेंट में बताएं आपको कौन सा प्रोटीन अच्छा लगा। अब आप भी क्लियरली चूज़ कर सकते हैं कौन सा प्रोटीन अच्छा है। अगर मेरी बात करें तो मुझे पर्सनली QNT सबसे अच्छा लगा, इसकी प्रोटीन अवेलेबिलिटी, इसका प्राइस एज़ कम्पेयर टू क्वालिटी, इसकी क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इसकी एब्जॉर्प्शन रेट। तो नंबर वन जो है वो मैं QNT को दूंगा, नंबर टू GNC, नंबर थ्री माई प्रोटीन। तो आप भी एक बार मुझे ज़रूर बताना आपने जो भी प्रोटीन यूज़ किया है उसको इन पॉइंट से कंपेयर करके देखें आपका प्रोटीन किस नंबर पर आता है। एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि वो जो प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं वो एक अच्छा क्वालिटी प्रोटीन है या फिर वो अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।